डिलीवरी जॉब्स का ही काम करना है तो आपने फाइल फिर 88 में लॉक मत करें, 89 में ही लॉक करें, क्योंकि जब आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं होकर आएंगे, यहाँ पे सोचेंगे मैंने कौन सा काम करना है तो आप डाइवर्ट हो जाएंगे। कोई बोलेगा 88 में लॉक करो, काम ढूंढो, आप बोलेंगे चलो यार अभी जेब में पैसे नहीं है तो काम ढूंढ लेते हैं। कि क्या डिलीवरी का काम करने के लिए कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट या वीज़ा वैलिड होना चाहिए? कुछ भी नहीं, आपने जैसे यहाँ पे आके अपनी एक्टिविटी ओपन कर। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग। पुर्तगाल जो लोग आ रहे हैं या आ गए हैं उनके हवाले से ये वीडियो है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्त इस बारे में पूछ रहे थे डिलीवरी जॉब्स के हवाले से। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा डिलीवरी जॉब्स के हवाले से, और कुछ दोस्तों के कुछ कन्फ्यूजन है, उन्होंने मुझे सवालात पूछे हैं मुझसे, तो एक एक करके सबको जवाब देने से बेहतर है कि मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँ ताकि तमाम दोस्तों की कन्फ्यूजन दूर हो जाए। जैसे कि पुर्तगाल में आप लोग आते हैं विजिट वीज़ा पे या डंकी लगा के किसी भी तरह से, तो पुर्तगाल आने के बाद काफ़ी ज़्यादा लोग जो पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं वो यही पूछ रहे हैं कि क्या सीन है पुर्तगाल आने के बाद, जो है हमें वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या किस तरह हम इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे और डिलीवरी जॉब्स किस तरह करेंगे। तो भरमा रहे यूट्यूब पे इस तरह की वीडियोस की, मैं आप लोगों को थोड़ी सी शॉर्ट शॉर्ट करके इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि अगर आप पुर्तगाल आ जाते हैं और आने के बाद जो है अगर आप समझते हैं कि आपको डिलीवरी जॉब्स करनी चाहिए तो आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये करनी है कि आपने फाइल ही अपनी 89 आर्टिकल में लॉक करनी है। यहाँ पे 89 आर्टिकल के बारे में मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, आप मेरे YouTube चैनल पे उसको देख सकते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके बारे में आप लोगों को ज़रूर आगाह करूँगा। तो आपने अगर डिलीवरी जॉब्स का ही काम करना है तो आपने फाइल फिर 88 में लॉक मत करें, 89 में ही लॉक करें, अपनी एक्टिविटी ओपन कराएं। और ग्लोवो की आईडी, जो यहाँ पे ग्लोवो का अकाउंट होता है जो कंपनी आपका टैक्स भी पे करती है, अगर ग्लोवो पे आप लोग काम करते हैं, उबर भी है, होल्ड भी है, ग्लोवो भी है, अगर आप ग्लोवो की आईडी अप्लाई करते हैं और वो आपकी कुछ महीनों में बन जाती है तो आप उस पर काम करके, अपना काम करके कंपनी आपका टैक्स पे करेगी और आप अच्छा काम करके अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। डिलीवरी वाले लड़के जिनका कॉन्सेप्ट यही है कि हमने पाकिस्तान से आना है और डिलीवरी का काम करना है, कहीं खेती बाड़ी पर नहीं जाना, उनसे खेती बाड़ी नहीं हो सकती, कहीं रेस्टोरेंट पर धक्के नहीं खाना, उनसे बर्तन नहीं धुल सकते, कहीं कंस्ट्रक्शन में नहीं जाना, रेती बजरी नहीं उठाई जा सकती, तो फिर वो लोग अगर डिलीवरी का काम करना चाह रहे हैं तो दिमाग बना के आए कि 89 आर्टिकल में फाइल लॉक करके ग्लोवो का अकाउंट अप्लाई करना है। जब तक आपका अकाउंट नहीं बनता तब तक आप लोगों ने एक काम करना है, आप लोगों ने जो है बोल्ट और उबर ये दो आइडियाँ किसी से रेंट पे लेनी है, या अपनी एक्टिविटी आपकी अगर ओपन हो जाती है तो अपनी आईडी ओपन करवानी है बोल्ट की। बोल्ट की इजीली आईडी ओपन हो जाती है, उस पर आपने काम करना है। पाकिस्तान से आते वक्त थोड़ा बहुत खर्चा लेकर आएँ ताकि आप 3-4 महीने यहाँ पे सरवाइव कर सकें और उस पर आप काम करें। तो जब आते साथ आप फर्स्ट मंथ में इंशाल्लाह फाइल लॉक कर देंगे तो तकरीबन 4 महीने के अंदर अगर आपकी ग्लोवो ओपन हो जाती है, बेस्ट ऑफ लक, हो सकता है 1 महीने में हो, सकता है 4 महीने में हो, तो आप जो है अपना काम कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा दोस्त थे जो यहाँ पे आए थे शुरू में, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, अब माशाल्लाह उनकी ग्लोवो की आइडियाँ बन गई हैं, अपना काम खुद कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर से बच चुके हैं, उन्होंने 89 आर्टिकल में फाइल लॉक की थी, अपनी एक्टिविटी ओपन कराई है, ग्लोवो की आईडी उनकी जो है जब तक पासपोर्ट नहीं आता तब तक रहेगी, तो अब उन्हें किसी की मिन्नत तरले करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें काम पर रख लो, हमने काम करना है, ये सिस्टम है। तो ये इन्फॉर्मेशन उन तमाम लोगों के लिए जो कि जा रहे हैं कि आज़ाद पंछी बन के यूरोप में घूमें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे दोस्त हैं जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं और मुझे बोलते हैं माजिद भाई आप तो यार मज़े कर रहे हो, हम तो यार रगड़ा खा रहे हैं, हम तो ये काम कर रहे हैं, हम तो वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह के जितने भी दोस्त, यार एक दोस्त मुझे कुछ दिन पहले मिले, मेरे अपने खुद के दोस्त थे, वो मुझसे यही बोल रहे थे कि माजिद भाई आप तो यार घूम रहे फिर रहे होते हो, मैं तो 12-12 घंटे की शिफ्ट्स कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ और बड़ा परेशान हूँ। तो अगर आप शुरू में ही आते हैं और अपनी 89 आर्टिकल में फाइल लॉक करके अपनी आईडी अप्लाई कर देते हैं, आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर होकर आते हैं कि यार मैंने करना ही काम ये, क्योंकि जब आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं होकर आएंगे, यहाँ पे सोचेंगे मैंने कौन सा काम करना है तो आप डाइवर्ट हो जाएंगे। कोई बोलेगा 88 में लॉक करो, काम ढूंढो, आप बोलेंगे चलो यार अभी जेब में पैसे नहीं है तो काम ढूंढ लेते हैं, तो उन सब दोस्तों के लिए। दूसरा, जब आप यहाँ पर पुर्तगाल आ गए तो आप लीगल इलीगल भूल जाएँ, आप यहाँ पर लीगल हैं, इलीगल भी आपके साथ ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पुर्तगाल आने के बाद आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं है, ज़्यादातर लोग विजिट वीज़ा के बजाय वर्क वीज़ा को तरजीह दे रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि अगर वर्क वीज़ा होगा हमारे पास तभी हम पुर्तगाल में जो है अच्छा सिस्टम कर सकते हैं, विजिट वीज़ा अगर हमारे पास होगा तब हम पुर्तगाल में अच्छा सिस्टम नहीं कर सकते।
तो अगर आपके पास विजिट वीज़ा है या वर्क वीज़ा है, किसी किस्म का भी पुर्तगाल का आपके पास वीज़ा है, तो आप यहाँ पे लीगली हैं। अगर आपके पास वीज़ा नहीं भी है तब भी आप यहाँ पे मौज मस्ती करके ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं, क्योंकि इमिग्रेशन ओपन है। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को यही बताता रहता हूँ, आप बस एक बार यहाँ पहुँच गए इस सरज़मीन पर, जब तक इमिग्रेशन ओपन है आपको कोई रोक टोक नहीं है, किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि क्या डिलीवरी का काम करने के लिए कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट या वीज़ा वैलिड होना चाहिए? कुछ भी नहीं। आपने जैसे यहाँ पे आके अपनी एक्टिविटी ओपन करनी है, बोल्ट में अकाउंट खुलवाना है। अगर नई एक्टिविटी जल्दी ओपन हो रही है, आप किसी से रेंट पे ले लें अकाउंट, उसकी आईडी आप रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। पाकिस्तान से आते वक्त इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा के आएँ, तकरीबन 6 महीने तक आपको रोक टोक नहीं होगी यहाँ पर। उसके बाद जो है कोशिश करें कि आपकी जल्द से जल्द फाइल लॉक हो। जितनी जल्दी फाइल लॉक होगी उतनी जल्दी आपका सेफ का बारकोड वाला सर्टिफिकेट आएगा, और वो सर्टिफिकेट आने के बाद जो है आप अपना गिया यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका लाइसेंस पाकिस्तान में 3 साल पुराना है तो। तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, और डिलीवरी वाले लोग जो है अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। बस कुछ चीज़ें जो हैं थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, मैं अगर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ तो उसमें डिफ़िकल्टी ये, अगर यहाँ पर वेदर जो है, वेदर के हिसाब से बारिश यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती है। तो पुर्तगाल में जो है लिस्बन जो है ऊपर नीचे थोड़ा बना हुआ है, पहाड़ियाँ सी हैं, तो जहाँ पे ट्रैम का ट्रैक होता है ना, वहाँ पे बाज़ औक़ात एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोगों की बाइक का टायर फंस जाता है। तो थोड़ा सा आने वालों को ये है कि अगर पाकिस्तान में बाइक नहीं चलाई हुई, थोड़ा सा हाथ पांव सीधा करें। यहाँ पे पाकिस्तान वाली वो जो बाइकें हैं 125 वो है, पर ज़्यादातर लोग डिलीवरी के लिए स्कूटी टाइप जो बाइक्स होती हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा जो है दूसरा ये यार, बारिश होती है तो सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, ठंड में काम करना जिन्होंने पाकिस्तान में मेहनत नहीं की हुई उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये दिमाग बना के आएँ कि यार इस तरह का माहौल मिलेगा। तीसरा कि यार कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा सा, कुछ एक दो एरिया ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा सा स्नैचिंग का सीन होता है, वहाँ पे थोड़ा सा आपने रिज़र्व रहना है और थोड़ा सा बचना है, क्योंकि लोगों ने तो शराब पी होती है, नशा किया होता है, और आपके साथ स्नैचिंग हो सकती है। 3 चीज़ें ये आपने थोड़ा सा दिमाग में रख के आनी है, बाकी अपना काम होगा, अल्लाह का नाम लेके आपने मेहनत करनी है, और इंशाल्लाह मेहनत करने वालों के साथ जो है अल्लाह ताला है, और आप लोगों के लिए बेहतरी होगी। जितने भी लोग परेशान हैं, परेशान नहीं होना, कोई भी सवाल हुआ करे यूट्यूब वीडियो के नीचे लिखा करें, मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। कोई भी चीज़ जो है यहाँ पर जो है इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आप लोगों ने जस्ट मेहनत करनी है और उस चीज़ पे वर्कआउट करना है, कन्फ्यूजन नहीं है, सब चीज़ें स्मूथ हैं। डिलीवरी का काम करने, 89 आर्टिकल में फाइल लॉक करनी है, एक्टिविटी ओपन हो गई, सब कुछ ईजी हो गया। आने से पहले 3-4 महीने के पैसे अपने पास रखने, ताकि किसी से मांगने ना पड़े, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप सर्वाइव कर सकें। अपने दोस्त माजिद का चैनल सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले डेली व्लॉग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।